हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे किसान भाइयों, बाजरे के प्रति क्विंटल 300 रुपए यानी भावांतर भरपाई योजना के जो पैसे हैं वो अभी तक आपके खाते में नहीं आए हैं, लेकिन दोस्तों सरकार ने वो जो पैसे हैं वो 15 फरवरी को मंजूर कर दिए थे, पैसे जारी कर दिए थे, लेकिन जो पैसे हैं वो अभी तक आपके अकाउंट में नहीं डले हैं। क्यों नहीं डले हैं तो सिलेक्शन भाई वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों नहीं आए हैं अभी तक आपके खाते में बाजरे के प्रति क्विंटल 300 रुपए। तो किसान भाइयों, आपको तो पता ही है कि 15 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने जो पैसे हैं वो जारी करने की घोषणा कर दी थी और बता दिया था कि इतने किसानों के इतने पैसे हम डाल रहे हैं इतनी जमीन के। लेकिन किसान भाइयों, अब आपकी लगातार मुझे कमेंट देखने को मिल रही हैं, आपकी लगातार कमेंट आ रही हैं कि अभी तक बाजरे के जो प्रति क्विंटल 300 रुपए हैं वो हमारे खाते में नहीं आए हैं, क्योंकि हमने हमारा जो बाजरा है वो मंडी में नहीं बेचा या अपने प्राइवेट में अपना बाजरा बेच दिया। क्या हमारे पैसे नहीं आएंगे, केवल सरकारी वालों के आएंगे जिसने सरकारी मंडी में बेचा था? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी के खाते में पैसे डलेंगे जिसका रिकॉर्ड ई खरीद की वेबसाइट पर दिख रहा है। यानी अगर आपका बाजरा ई खरीद की वेबसाइट पर वेरीफाई दिखा रहा है, पास दिखा रहा है और जितने क्विंटल दिखा रहा है उतने क्विंटल के जो पैसे हैं आपके खाते में आ जाएंगे, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाजरे के प्रति क्विंटल 300 रुपए सभी को मिलेंगे। लेकिन किसान भाइयों, मुझे पता है कि बाजरे के जो प्रति क्विंटल 300 रुपए हैं वो अभी तक आपके खाते में नहीं आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जब ये पैसे जारी किए थे उस समय दोस्तों पैसे आपके खाते में भेजने के लिए जारी नहीं किए थे, बल्कि मुख्यमंत्री जी ने जो राशि है वो मंजूर कर दी थी कि हम इतनी राशि मंजूर कर रहे हैं बाजरे की, इतनी एकड़ जमीन की, इतने किसानों की। अब दोस्तों वह जो फाइल है वो डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है और जितने भी किसानों के पैसे भेजने हैं यानी जितने किसान भी वेरीफाई हैं उनके पैसे अब डिपार्टमेंट जल्द से जल्द उनके खाते में ट्रांसफर कर देगा, एक साथ सभी किसानों के जो पैसे हैं उनके खाते में भेज दिए जाएंगे। अब किसान भाइयों, आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा, ज्यादा इंतजार नहीं करना है, बल्कि 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ही आपके जो पैसे हैं वो आपके खाते में आ जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों, इतना वेट आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि किसान भाइयों अब डिपार्टमेंट को टाइम तो लगे हीगा आपके खाते में पैसे भेजने के लिए, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द से जल्द पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी कि डिपार्टमेंट जल्द से जल्द आपके खाते में पैसे डाल देगा। मुझे पता है अभी तक आपके पैसे नहीं आए हैं, क्योंकि आपकी राशि मंजूर हो गई है लेकिन अभी तक आपके खाते में नहीं भेजी गई है, जल्द से जल्द भेज दी जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।